सेकंड पावर प्ले की अगली गेम तैयार। अमित नाइक के लिए पहचान भी अपने आते ही, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, शॉर्ट पिच भी नहीं कहेंगे, गंचल पार करिए, गुड लेंथ पार पर पिक की थी गेंद को, और जिस अपने अंदाज से जाने जाते हैं बल्लेबाज उसी अंदाज से इस गेंद को खेला, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और इसी 6 रनों की मदद से ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट, और इस ओवर में रन बने टोटल 24। अब टीम की बात करेंगे, रन संख्या पहुंचती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर मानसी स्पोर्ट्स का औद्योगिक आउटान अक्षय तैयार होते हुए। यहाँ देखिए लंबा छक्का, बहुत दूर जाएगी अगेन, सीधा मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 6 रनों का क्या स्ट्रोक था, ताकत का भरपूर इस्तेमाल था, अपने भुजाओं को खोला और गेंद को आखिरकार आज के टूर्नामेंट का ये लंबा छक्का बैट्समैन ना अमित नाइक के बल्ले से, अमित नाइक तैयार होते हुए इस बार लाजवाब स्ट्रोक, आज तो ठान लिए कि जैसे जाऊंगा ना डबल लूंगा ना सिंगल लूंगा, बच्चों के छक्कों के साथ मानसी 11 गाउदी भी गाउकन टीम को अपना काम तमाम करना है। तीसरा छक्का बैट्समैन अमित नाइक के बल्ले से निकला हुआ, और इसी 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर देखते देखते तेजी के साथ बढ़ता हुआ 46 रन 46। तब तक आपकी अतिरिक्त शक्तियां उसका कुछ नहीं ताकती रहेगी। वार शॉट कौन रोकेगा स्टीफन को, चौथा छक्का अमित नाइक के बल्ले से, वैसे एक आक्रामक खिलाड़ी कहा जाता है, फुल टॉस गेम थी, ऑन साइड में ड्राइव किया, इस गेम को सिंगल मिलेगा, सिंगल की मदद से टीम का टोटल स्कोर इस वक्त बात करेंगे तो 61 रनों की जाती है, और बिल्कुल पनवेल का विकास यही सर्वांगीण घास, लेकिन इस बार कौन रोकेगा मेरे दोस्त इस बल्लेबाज को, अगर इस तरीके की बल्लेबाजी चलती रहेगी जो रॉयल मुस्तफा 11 टीम ने स्कोर खड़ा किया था 98 रनों का, वो टारगेट तोड़ सकती है 73 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए, और मैन फ्रॉम हाशूरे पहली गेंद लॉक किया, ये देखिए क्या ताकत है इनके भुजाओं में, और सीधा गेंद जाती हुई, हमारा जो एमर मैन ना शॉट है एमएसपी बैठे इन्वर्टर का, वहां दमदार छक्का, और वासिम भाई ने सुबह कहा था अगर उस गेंद की एमएसपी मैट्रिक शॉट के ऊपर कोई बल्लेबाजी क्या अर्धशतक बना पाएंगे, इस बार आफा अली कैप्टन खोदने की कोशिश थी, गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जाती हुई, 1 रन तो जरूर पूरा, दूसरे के लिए पलटवार होना चाहते, इन बार फिर से एक बार मनीष मोकल तैयार होते हुए, अमित नाइक का क्रॉस बैटर खेला हुआ स्ट्रोक, स्क्वेयर लेग और मिड विकेट के बीच में से गेंद सीमा पार जाती हुई, 42 रनों की दमदार नाबाद पारी खेली, और इसी के साथ पहले पूर्वार्ध का खेल समाप्त होने के बाद रनों का अंबार खड़ा कर दिया, और क्या पावरफुल रन बनाए, और उसी के बदौलत अब इस मैच में किस तरह